अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को जो पार्ट हमारे रह गए थे हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था प्रूफ देट, तो हमने इसके जो 8 पार्ट थे वो हम सोल्व कर चुके हैं। अब मैं आज स्टार्ट करवाऊंगी इसके जो हमारे जो पार्ट रह गए थे, मतलब 9, 10, 11 एंड 12, हम अब ये पार्ट सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मतलब जिसका पार्ट 9 है वो क्या है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल है 2 कोसेक थीटा के, सही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक साइड कंसीडर कर लेंगे और हमें उसे क्या करना होता है, दूसरे साइड पे हमें उसे इक्वल लाना होता है, जो दूसरे साइड पे से जो कुछ भी लिखा है, सही। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको हम सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड हमारा जो है हमें प्रूफ करना होगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो कुछ भी है वो मैं लिखूँगी, सही है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक टर्म है, ये एक है और बीच में दोनों के प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का तरीका आपको मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो ये जो नीचे जो दो वैल्यूज़ है, मतलब ये क्या लिखा है, साइन थीटा और इनटू 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है एलसीएम। अच्छा, अब क्या होगा कि जो पहली टर्म होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कुछ हमारा एलसीएम आया होता है। तो इसको मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो कुछ भी आंसर आता है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन क्या है, बीच में प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये जो सेकंड टर्म है, हम इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे, मतलब इसका भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, जैसे मैंने ये करके दिखा है इसी तरीके से आप इसका भी आप कर लें, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कोस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस से, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है कि वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूँगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, बी का स्क्वायर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद है 2, ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ऐसा ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है, उसके बाद नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में वो ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा है और प्लस कोस थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, और ये वाला फॉर्मूला भी सब बच्चों को अब याद हो ही गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप अरेंज करके इसको एक जगह करके यहाँ 1 कर दें, या आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक जगह पहले करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने इसके साथ लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2 कोस थीटा, और डिवाइड में जो कुछ भी था वो हमने ऐसे ही लिख दिया, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 1, और एक 1 ये रहा हमारा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और फिर लिखा है 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा जो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ऊपर आप देख सकते हैं क्या है, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, सही।
फिर नीचे क्या है, साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके द्वारा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख सकते हैं ऊपर टू प्लस टू है, तो मतलब हम ऊपर से टू कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम टू कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो टू तो बाहर आ गए, यहाँ अंदर क्या बचा, वन बचा, प्लस क्योंकि टू बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बचा कोस थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा, और ऊपर भी हमारे पास वन प्लस कोस थीटा है, नीचे भी है। तो क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा है वन प्लस कोस थीटा से वन प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टू अपॉन साइन थीटा बचा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू अपॉन साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन साइन थीटा। और हमें पता है कि साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, मतलब वन अपॉन साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कोसेक थीटा के। तो हम वन अपॉन साइन की जगह कोसेक लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट कोसेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन साइन थीटा के। तो ये जो वन अपॉन साइन है, मतलब ऊपर क्या था हमारा टू था, टू हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, साइन की जगह पर आ जाएगा कोसेक। तो ये हो जाएगा टू कोसेक थीटा, क्योंकि टू हमने साइड पर कर दिया, ये क्या हो गया वन अपॉन साइन था, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू कोसेक थीटा। और ये हमारा देखें, आप ये देख सकते हैं कि यही हमें प्रूफ करना था, टू कोसेक थीटा की इक्वल होता है, और ये हमने प्रूफ कर लिया है। सिंपल हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, उसको सिंप्लीफाई किया है, और हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ चुका है टू कोसेक थीटा, और हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने पार्ट 9 सॉल्व कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। तो पार्ट 10 हमारा क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल है 2 sec स्क्वायर अल्फा के। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, दोनों के साइन बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ले लेते हैं हम इसका एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि जो नीचे जो कुछ भी लिखा होता है डिनोमिनेटर में, हम उसको एक साथ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा, और एक ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा इसके इसी के साथ वन माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया भी था, तो हम क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू को लेके उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एलसीएम से। तो एलसीएम हमारा ये रहा, तो वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा वन माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन अल्फा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे रफ वर्क करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वन माइनस साइन अल्फा से वन माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, वन प्लस साइन अल्फा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन अल्फा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है माइनस का साइन अल्फा, ये है प्लस का साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा वन प्लस वन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू, ऐसा ही है। तो ऊपर हमारे पास आ गया है टू, और नीचे आप देख सकते हैं कि वन प्लस साइन अल्फा है, वन माइनस साइन अल्फा है, वैल्यू सेम है, साइन चेंज है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ऐसा ही होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो वन है वो हमारा ए हो गया, जो साइन अल्फा है वो हमारा बी हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यही वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, फिर साइन आएगा माइनस का, बी स्क्वायर क्या है, बी हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल है चेक कर लेते हैं। तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर यही वाला काम करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा ही होगा। और अब हमें क्या प्रूफ करना था, ये इक्वल है सेक स्क्वायर के। अब और हमें ये भी पता है
सेक स्क्वायर जो है वो इन्वर्स होता है कोस के, मतलब 1/cos इक्वल होता है सेक थीटा के, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कोस स्क्वायर है वो डिवाइडेड मतलब अपॉन में डिवाइड में है, तो 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। हम यहाँ पे भी ये लिख देंगे कि वी नो दैट सेक हमारे पास जो सेक थीटा होता है या सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/cos थीटा के। और इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा भी इक्वल हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा के, ऐसा ही होगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा था वो भी डिवाइड में है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर अल्फा, और 1/cos स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर अल्फा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा जो है राइट हैंड साइड आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने पार्ट 10 भी सॉल्व कर लिया है, अब हम चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 हमारा है कोस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस साइन बीटा इक्वल है कोट बीटा माइनस 1/ कोट बीटा प्लस 1। अच्छा, अभी तक हमने ये जो 15.3 के जितने भी पार्ट सोल्व किए हैं सब में हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लिया था, लेकिन यहाँ पे हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ना ही कोई एलसीएम हो रहा है, ठीक है, सिंपल एक ऐसे ही लिखा हुआ है, बाकी कोस है और साइन है। तो कॉस और साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं होता इसको हम कोट में कन्वर्ट करें। हाँ, लेकिन कोट बीटा को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोट बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम कोट की जगह कॉस अपॉन साइन या फिर 1/ कोट को पुट करते हुए हम जो है यहाँ पे कॉस और साइन हम ला सकते हैं, लेकिन साइन और कॉस का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर मतलब टेन आ जाए या कोट आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाले पार्ट में हम ये जो राइट हैंड साइड है हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा है कोट बीटा माइनस 1/ कोट बीटा प्लस 1। और हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेंगे कि हमें पता है कि कोट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला भी लिख देंगे कि वी नो दैट कोट थीटा इक्वल है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा है या कॉस बीटा लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा लिखेंगे। अच्छा, ये वाला उसी तरीके से है जो हमने तकरीबन पीछे भी हमने कोई पार्ट सोल्व किए थे तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ आया था। मैं आपको बताती हूँ, वो जो है पार्ट शुरू में ही कोई ये पार्ट था इस तरीके से कि हमने क्या किया था, जो मैंने कहा था कि डिवाइड का साइन है हम उसे सैम्पल बना के करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कोट बीटा है तो कोट बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा, फिर साइन क्या है माइनस है, फिर क्या है 1 है, उसके बाद क्या लिखा है डिवाइड का साइन, ठीक है। तो हम इसे कर देंगे डिवाइड, उसके बाद नीचे क्या लिखा है ये कोस बीटा लिखा है तो कोस बीटा की जगह पे दोबारा आ जाएगा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा, ठीक है, फिर क्या है प्लस है और फिर क्या है 1 है। अभी इतनी बड़ी वैल्यू थी तो मैंने आपको कहा था कि हम इसको जो है सिंपल तरीके से कर लेंगे, मतलब कि डिवाइड की जगह इसको डिवाइड का हम सिंबल लगा देंगे ताकि हम आसानी से काम कर सकें। अच्छा, अब आप नीचे इसे भूल जाएं, ऊपर लिखा हुआ है कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और जो नीचे जो कुछ लिखा हुआ है कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस 1 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोनों का बारी बारी एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो ऊपर जो है इसका एलसीएम क्या आएगा ऊपर का एलसीएम आएगा साइन बीटा, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम पहली टर्म लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से जो कि हमारे पास है साइन बीटा, तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा कोस बीटा, फिर आएगा 1 सॉरी फिर आएगा माइनस, और फिर क्या होगा यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से साइन बीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन बीटा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इसको रफ वर्क में करें फिर आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड का साइन बना हुआ है तो हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं डिवाइड, ठीक है, ताकि हमें जो है ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर अब हम ऐसे यहाँ इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा इसका भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कोस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन बीटा, ठीक है। तो मैंने इसका भी क्या ले लिया है इसका भी मैंने ये एलसीएम ले लिया है। अब हम क्या करेंगे
ये जो डिवाइड का साइन होता है, सबको पता है कि वो जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है। मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद क्या होता है कि वो जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पलट जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कोस बीटा माइनस का साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये साइन बीटा ऊपर आ जाएगा और ये जो कोस बीटा प्लस साइन बीटा है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा ऊपर, ये हमारे पास आ गया कोस बीटा माइनस साइन बीटा, फिर डिवाइड में क्या है यहाँ पे अपॉन, ये है हमारे पास कोस बीटा प्लस साइन बीटा। और यही हमें प्रूव करना था, आप देखने के हमारा जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए हमने राइट हैंड साइड को लेते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारा पार्ट 11th भी हो चुका है, अब हम चलेंगे पार्ट 12th की तरफ। तो पार्ट 12 हमारा क्या है, 1 प्लस कोसेक गैमा इक्वल डिवाइडेड बाय कोसेक गैमा माइनस 1 इक्वल 1 प्लस साइन गैमा अपॉन 1 माइनस साइन गैमा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम कोसेक की जगह कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा की जगह तो कुछ भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो कोसेक थीटा है ना, हमें क्या पता है कि जो कोसेक थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे हमें साइन थीटा ही लेकर आना है। तो हम यहाँ पे जब भी कोसेक की जगह हम लिख देंगे, वी नो दैट के कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो जहाँ जहाँ पे कोसेक थीटा है वहाँ वहाँ हम 1 अपॉन साइन पुट कर देंगे। और जिस तरीके से अभी तक हमने तमाम पार्ट किए हैं ये भी बिल्कुल वैसी ही होगा, जैसे अभी हमने पार्ट 11 किया था उसमें भी ऐसे कुछ हुआ था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम काम करेंगे, 1 की जगह 1 आएगा प्लस, और कोसेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा की जगह गैमा है। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, फिर दोबारा आ जाएगा क्या, 1 अपॉन साइन गैमा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड के साइन को हम डिवाइड के सिंबल में बना के लिख लेंगे और सिंपल हम एलसीएम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया साइन गैमा। फिर इसको जब हम एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो ऊपर साइन गैमा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, फिर डिवाइड का साइन किया, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है तो इसका भी साइन गैमा ही आएगा और इसका आंसर आएगा 1 माइनस साइन गैमा, ऐसा ही है। तो अब क्या होगा, जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं हमें 1 प्लस साइन गैमा चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखा है साइन पहले है 1 उधर बाद में। तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं पहले अरेंज कर लेती हूँ, 1 को यहाँ ले आऊँगी, साइन को वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है। हाँ, अगर माइनस का साइन होता तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर प्लस का साइन है तो हम इजीली वैल्यूज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। और आगे पीछे मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 प्लस साइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी 1 प्लस साइन गैमा डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखा है, साइन गैमा। डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वैल्यूज़ जो है रेसिप्रोकल हो जाती हैं, मतलब पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती है, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। तो ये जो 1 माइनस साइन गैमा है वो नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि साइन गैमा से साइन गैमा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 1 प्लस साइन गैमा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन गैमा। और यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है और हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये भी हमने क्या कर लिया है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। तो एक्सरसाइज 15.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें प्रूव करना था 12 पार्ट, वो 12 पार्ट हमने प्रूव कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है दो आइडेंटिटीज़ वाले हैं, मतलब साइन थीटा हमें गिवन है, एक में टेन थीटा गिवन है, जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें वो फाइंड करने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आपको इसमें जो भी कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।